Assalamualaikum my dear kids, hope you all are fit and fine. I'm back with my another video. Dear kids, open your literacy skills book and go to the page number 38. बच्चों, अपनी literacy skills वाली book निकालो और page number है 38. Dear kids, today we have to study about letter I. आज हमको क्या पढ़ना है? Letter I. Look at the pictures, call out their names. बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे pictures दिए गए हैं. अब हमको वन बाय वन इनके नाम बोलने हैं, राइट? एंड दे स्टार्टेड विद लेटर आई. किससे स्टार्ट होती है? लेटर आई से. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों. डू यू नो व्हाट्स अ फोनिक साउंड ऑफ आई? क्या आपको पता है फोनिक साउंड आई के क्या है? बच्चों ये है इग्वाना. ये इसकी पिक्चर है इग्वाना. ऐसा होता है इग्वाना. इग्वाना जो होता है ये ज्यादातर प्लांट्स पे होता है. जो फॉरेस्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं पे होता है. ये घास खाता है, ये इंसेक्ट्स खाता है. इसकी जो टेल है वो लंबी होती है, स्विमिंग में काम आती है. इसकी एक और आई होती है जो कहाँ पे होता है? हेड में, हेड पे होता है, राइट बच्चों? बच्चों ये है इंडिया. क्या है? इंडिया. ये इंडिया का नक्शा है. ये हमारी कंट्री है इंडिया, राइट बच्चों? इंक. भाई बच्चों इंक किसको बोलते हैं? स्याही को. किसको बोलते हैं? स्याही को. जो हमारे मार्कर पेंस होते हैं उनमें यूज होता है, इंक का यूज होता है, जिसको हम स्याही बोलते हैं, राइट? इंसेक्ट. बच्चों इंसेक्ट बोलते हैं कीड़े को. किसको बोलते हैं? कीड़े को. ये बहुत सारे यहाँ पे कीड़ेज हैं, इसको बोलते हैं इंसेक्ट्स. जैसे बटरफ्लाई है, जैसे एंट है, और बहुत सारे कीड़े, इसको बोलते हैं इंसेक्ट्स. इग्लू. बच्चों इग्लू किसको बोलते हैं? ये एक छोटा सा मकान टाइप होता है, छोटा सा घर टाइप होता है, जो स्नो का बना होता है, जो बर्फ का बना होता है. किसका बना होता है? बर्फ का. छोटा सा घर होता है, राइट बच्चों? जिसको हम बोलते हैं इग्लू. इग्लू. बच्चों होप आपको ये समझ आया होगा, ये साउंड ऑफ आई. अब आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करना. जैसे हमने ए का साउंड पढ़ा, बी का साउंड, एंड सो ऑन, बहुत सारे साउंड्स पढ़े. आज हमने आई का साउंड पढ़ा. अब आप जैसे मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, आप भी घर पे ऐसे ही रिपीट करना और इन साउंड्स की प्रैक्टिस करना, राइट बच्चों? आज के लिए बस इतना ही. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ गुड डे.